प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में रोड शो शुरू हो गया है। आज पीएम 10 किलोमीटर का रोड शो निकाल रहे हैं। शनिवार को पीएम ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। मोदी रोड शो के बाद शिवमोगा ग्रामीण और बेंगलुरु सेंट्रल में चुनावी रैली करेंगे। दरअसल पीएम को बेंगलुरु में 26 किलोमीटर का रोड शो करना था, लेकिन पीएम के निर्देश पर बीजेपी ने रोड शो को दो दिन में बांट दिया था। पार्टी ने रोड शो का नाम नम्मा बेंगलुरु नम्मा खेम है। बता दें कि पीएम ने शनिवार को बादामी में जनसभा की थी, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को कांग्रेस की पुरानी आदत बताया था और कहा है कि बीजेपी इनकी इसी बीमारी का परमानेंट इलाज करने के लिए आई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने जनता का समर्थन मांगते हुए कर्नाटक का ये चुनाव हमारे कैंडिडेट नहीं बल्कि बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। इनके पास पता नहीं कौन सा पंजा है जो एक रुपए में से 85 पैसे खा जाता है। कांग्रेस के इन्हीं कुकर्मों के कारण हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा।